हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा यादव। वेलकम टू रेखा किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ चांदनी कटलेट। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और प्लीज़ मेरा वीडियो देखते रहिए और अपना प्यार देते रहिए और बेल का बटन आप जरूर दबाइए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उसे मैं थैंक यू बोलती हूँ। और देखते हैं इसमें क्या लगता है और कैसे बनता है। ये मैंने पोहा लिया है 1 कप, और इसे मैंने अच्छे से धो लिया है, साफ करके धो लिया है और इसको धो के रख दीजिए। और ये मैंने 1 टेबलस्पून पुदीने का पत्ता लिया, उसे भी अच्छे से 2-3 पानी से धो के मैंने काट लिया है बारीक। और मिर्ची लेंगे 1/2 टेबलस्पून मिर्ची पाउडर, और ये मैंने लिया है मिर्ची और अदरक का पेस्ट है 1 टेबलस्पून। और एक प्याज लिया मैंने, उसे बारीक काट लिया है। और ये मैंने 2 बटाटा लिया है बॉयल करके, उसको मैंने छील लिया है और छील के मैश कर लिया मैंने। और ये मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन लिया, उसे बारीक काट लिया है। और 1 टेबलस्पून धनिया लेंगे हरा, उसे भी मैंने अच्छे से धो के साफ के करके काट लिया है, क्योंकि अभी बारिश है तो बहुत सारी मिट्टी लगी रहते हैं उसमें, तो 2-3 पानी से अच्छे से धो लीजिए, चाहे धनिया हो पुदीना हो। और ये इसे मैंने काट लिया है। और ये मैंने लिया है 1/4 कप चावल का आटा, और 1 टेबलस्पून दही लेंगे, नमक लेंगे स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा पानी लेंगे घोल बनाने के लिए, और ऑयल लेंगे हम फ्राई करने के लिए। तो देखते हैं कैसे बनता है। और अभी सबसे पहले कोई एक बड़ा बर्तन ले लेंगे, हम डिश ले लेंगे और उसमें पोहा निकाल लेंगे। मैंने धो के रखा था उसे। और बटाटा मैंने जो बॉईल किया था बटाटा ले लेंगे। और प्याज हम लोगों ने जो बारीक काटा था, जितना बारीक हो सके उतना काट लीजिए। और लहसुन, पुदीना, और ये बना के देखिए, बारिश में बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है खाने में और हेल्दी भी है और कुछ अच्छा मिल जाता है चटपटा खाने के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है। बना के देखिए, धनिया और मिर्ची पाउडर मैंने डाल दिया, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, मिर्ची और अदरक का पेस्ट। और मिर्ची अदरक के पेस्ट नहीं बनाना है तो आप ऐसे दरदरा कूट के भी ले सकते हैं अदरक और वो दही। और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे, हाथों से मिला लेते हैं, अच्छे से मिक्स करेंगे इसे। अच्छे से मिलाएंगे हाथों से, अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए सब चीज। और ऐसे पूरे हाथों से अच्छे से मिलाएंगे, मिक्स कर देंगे और अच्छे से मसल लेंगे इसे। तो इसे अच्छे से मसल लेते हैं, मिला लेते हैं। ये मैंने अच्छे से मिला लिया है, मिक्स कर लिया है, और हाथों से इसको हम शेप दे देंगे, खुला बना लेंगे कटली। आपको जो शेप देना हो आप दे सकते हैं। छोटा बड़ा जैसा बनाना हो आप कटलेट बना सकते हैं। मैं एक बता रही हूँ आपको कि ऐसे बनाइए, जो सिर्फ देना आप दे सकते हैं। और ऐसे करके हम कटलेट बना लेंगे। हाथों से ऐसे दबा दीजिए और इसको फिर हम बनाएंगे कटलेट ऐसे करके। मैं गोला बना रही हूँ, आपको जैसा बनाना हो उसे आप बना सकते हैं कटलेट। ऐसे करके हम सारे कटलेट बना लेंगे, छोटा बड़ा साइज जैसा आपको बनाना हो आप बना सकते हैं। हाथों से ऐसे दबा देंगे और ऐसे करके सारे कटलेट हम बना लेंगे।
ये मैंने सारे कटलेट बना लिए हैं, इसको साइड में रख देंगे। और एक बाउल लेंगे, और एक बाउल ले लेंगे छोटा, और उसमें चावल का आटा निकाल देंगे और अच्छे से छान लेना है चावल का आटा। और नमक लेंगे स्वाद के अनुसार, और चावल का आटा मैंने एक चौथाई कप लिया है, और ज़्यादा भी लग सकता है कम भी, तो मैंने ये बताया है आप ज़्यादा भी ले सकते कम। और गाढ़ा घोल बनाएंगे हम चावल के आटे का, गाढ़ा घोल बनाएंगे। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा पानी इसमें हम और डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से फेंट लेंगे। और ये मैंने घोल बना लिया है, और देखिए ये गाढ़ा है, तो हमें इतने ही गाढ़ा रखना है घोल को। हम ऑयल गरम कर लेते हैं। ये मैंने गैस को ऑन कर लिया है और गैस पे पैन चढ़ा दिया है, कढ़ाई पैन आप कुछ भी ले सकते हैं। ऑयल डाल लिया मैंने, ऑयल को गरम होने देते हैं। ऑयल हमारा गरम हो गया है, और अभी इसमें हम जो चावल का घोल बनाया था उसमें हम जो कटलेट है उसको हम डिप करेंगे, और इसके अंदर हम डाल के फ्राई करेंगे। गैस को मैंने कम कर दिया है, ऐसे जो कभी कटलेट डाल देंगे। अच्छे से डिप करिए, थोड़ा इसे हम पकने देते हैं, फिर पलटी करेंगे। और अभी हम पलट लेंगे, और गैस को मैंने कम किया था, अभी मैं फास्ट कर दूंगी, इससे ऑयल का जो टेम्परेचर है बराबर हो जाएगा, नहीं तो ज़्यादा रहेगा तो जल्दी पक जाएगा। तो अभी गैस को हम फास्ट कर देंगे, और इसको थोड़ा सा नीचे से और पकने देते हैं, क्रिस्पी होने देते हैं, फिर पलटी करेंगे। हल्के हाथों से इसको करेंगे, हिलाएंगे इसको, चलाएंगे, और थोड़ा पका लेते हैं, फिर पलटी करती हूँ। और अभी इसको हम पलटी कर लेंगे, पलट लेंगे। और गैस को मैंने फास्ट रखा है, और इसको अच्छे से क्रिस्पी होने देंगे, एकदम करारा होने देंगे, फिर निकालेंगे इसे दोनों साइड से, अच्छे से क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। अच्छे से पकने देते हैं इसे, और इसको दोनों साइड से अच्छे से मैंने पलट पलट के पकाया है, तो थोड़ा और पका लेंगे। और इसको थोड़ा पकने में टाइम लगता है क्योंकि चावल का आटा है, तो अच्छे से पकने दीजिए, क्रिस्पी होने दीजिए, तब तक पकाएंगे हम। अच्छे से पलटते हुए पकाइए, दोनों साइड से अच्छे से ब्राउन हो जाना चाहिए। और ऐसे पलटते हुए पका लीजिए हर साइड से। और ये ब्राउन हो गया है, करारा हो गया, तो इसे हम निकाल लेंगे। और अभी से हम निकाल लेंगे, और दूसरे कटलेट भी हम बना लेंगे। ऑयल को अच्छे से निकल जाने दीजिए, फिर निकालिए। और एकदम क्रिस्पी करा रहे हैं, इसे फ्राई करिए। और ऐसे करके मैं सारे कटलेट निकाल लेती हूँ, बाकी के भी कटलेट हम फ्राई कर लेंगे। ऐसे सेम डिप करेंगे, ऐसे डुबो के अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
ये मैंने दूसरे बेज का भी डाल दिया है, तो इसे भी अच्छे से पका के सारे कटलेट ऐसे हम बना लेते हैं। तो ये बाकी भी हम मैंने बना लिया है कटलेट, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं और उसके बाद हम सर्व करते हैं। तेल अच्छे से निकल जाने देंगे और एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। ये मैंने एक सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है और इसे मैं टमाटो सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहिए तो चटनी, ग्रीन चटनी के साथ में भी सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो आप बना के देखिए, अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट करें। और बहुत टेस्टी और क्रिस्पी है, एकदम क्रिस्पी बना है और टेस्टी भी है। देखिए आप बना के, और कितना अच्छा देखिए इसका कलर आया है। तो आप बनाइए, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। और फिर से मिलती हूँ मैं नई रेसिपी में। बाय फ्रेंड्स।